आज़ादी के बाद से अब तक हरदा जिले में कई गांव में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए किसानों और ग्रामीणों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट की बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि इसके लिए शासन से अनुरोध किया जाएगा ताकि ग्रामीण भी आम जीवन व्यतीत कर सकें। भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट की बैठक टिमरनी के गुर्जर छात्रावास में हुई, जहाँ किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संतोष पाटिल ने बताया कि टिमरनी से झाड़तलाई लालदेव होते हुए बागबाड़ा 10 किलोमीटर मार्ग एवं पोखरनी से लालदेव 5 किलोमीटर मार्ग का सीमांकन एवं निर्माण जल्द कराया जाए। इसी प्रकार पोखरनी चौकड़ी से गोंदा गांव कला तक ग्रेवल मार्ग भी खराब पड़ा हुआ है। हांडिया तहसील के ग्राम में भागखेड़ी से गुल्लास मार्ग पूर्ण रूप से बंद है और मार्ग पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इस वजह से खासकर किसानों और ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राम भरोसे पटवारी ने कहा, आज़ादी के बाद से जिले में दर्जनों रास्तों का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे आज भी किसान और ग्रामीणों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बैठक में तय किया गया इस बारे में संबंधित विभागों और सरकार को अवगत कराया जाएगा। बैठक में रचना शर्मा, अनीता व्यास और संतोष जाट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खेतों तक जाने के लिए किसानों के रास्ते की, इसके लिए मैंने पिछले एक साल में कई बार आवेदन निवेदन किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने रजिस्ट्री करी एवं PWD मंत्री जी को रजिस्ट्री करी, माननीय कमल पटेल जी को भी अवगत कराया और इसकी कॉपी दी, माननीय कलेक्टर साहब को भी दी। इसके बाद भी अभी एक साल हो गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई हलचल नहीं हुई। ये सड़क है टिमरनी रेलवे गेट से उत्तर पूर्वी झाड़तलाई होते हुए लालदेव बगवाड़ मार्ग, लगभग लंबाई 10 किलोमीटर एवं पोखरनी से लालदेव मार्ग 5 किलोमीटर, उसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर। मेरे संभाग में 3 जिले आते हैं, बैतूल जिला, नर्मदापुरम और हरदा जी। अब चूंकि हरदा भी मेरे संभाग में है तो मैं अपने भाई और बहनों से सभी से मिलने आई थी। अब चूंकि अभी महिला टीम यहाँ पर उपस्थित भी नहीं है, भाई लोग उपस्थित हो चुके थे, हमारे मानव अधिकार के सभी पदस्थगण, तो उनसे मिल करके कुछ मुख्य उद्देश्य और मुख्य मुद्दे हैं जिसके विषय पर हम लोगों ने अपने अपने विचार, अपने अपने विषय, अपने अपने काम के रूपरेखा बनाई और हमने आज यहाँ मीटिंग रखी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं